इन दिस प्रेजेंटेशन ऑफ नाउ वी विल डिस्कस गैस क्रोमटोग्राफी इन गैस क्रोमोग्राफी द मोबाइल फेज इज़ गैस एंड द स्टेशनरी फेज इज़ सॉलिड और लिक्विड ये जीसी की एक स्कीमेटिक डायग्राम है जीसी को मुख्तफ किस्म के डिटेक्टर्स के साथ कपल करके इस्तेमाल किया जाता है अगर हम जी कहें तो इसका मतलब कि गैस क्रोमोग्राफ कपल विद मैथ स्पैक्ट्रोमीटर जी सी थर्मल कन्डक्ट डिटेक्टर जी सी एफ आई डी फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर तो ये जनरली एक जी सी की डायग्राम है जिसमें हम कैरियर गैस से अपने इस इंस्ट्रूमेंट की इब्तदा करते हैं हीलियम गैस को एज कैरियर गैस इस्तेमाल होता है यानी मोबाइल फेस के तौर पर हीलियम इस्तेमाल हो रही है. हीलियम एक न्यूट्रल गैस है यकिन आयनाइज होने के बावजूद भी यह इस में से पास होकर अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं देती तमाम गैस क्रोमोग्राफ में हाई वैक्यूम पंप इस्तेमाल होते हैं ताकि जो अवेलेबल गैसेस जैसे नेचर में या हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की मकदार बहुत ज़्यादा है और नाइट्रोजन या ऑक्सीजन हमारे कंपोनेंट का भी हिस्सा हो सकती है इसलिए इनको वैक्यूम करके सबसे पहले निकाला जाता है कि कॉलम में या इस ट्यूब्स के अंदर इस गैसेस की और कोई मकदार ना हो तो हीलियम को मोबाइल फेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे फ्लो कंट्रोलर जो इस मोबाइल फेस की डिस्ट्रीब्यूशन को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल होगा एम पर मिनट के हिसाब से जैसे एच में हम लिक्विड को फ़्लो करवा रहे थे तो एम पर मिनट के हिसाब से ही यहाँ हीम फ्लो होगी ये सैम्पल इंजेक्टर है इसे आमतौर पर एक बारीक सरेंच के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है जी इतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आप खाली सरेंच को भी सिर्फ एयर को भी इसमें पम्प करें तो वो भी हमें पीक्स जरूर शो करेगी इसीलिए परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है तो सैंपल इंजेक्टर जिससे सैंपल इंजेक्ट होगा और ये एक अवन है थर्मोस्टेटिक थर्मोस्टेटिकवन जिसके अंदर हमारा ये कॉलम रखा गया है वो तमाम सैंपल्स जिन्हें ये अप्लाई करेंगे इस किस्म के होने चाहिए जो टैंपरेचर 200 सौ तीन सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अगर अवन का टैम्परेचर हो ये ज़रूरी है जिसमें वो गैसियस फॉर्म में आ जाएँ लेकिन गैसियस फॉर्म में आने के साथ उन्हें डीकम्पोज नहीं होना चाहिए अगर वो ख़ुद टूट जाएंगे तो हमें अपनी आइडेंटिटी ही सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे जीसी इस कॉलम में से निकलने के बाद ये कॉलम जिसकी आम तौर पे को 30 मीटर के करीब लेंथ होती है एक काफ़ी लंबा कॉलम ट्यूबुलर कॉलम इस्तेमाल होता है इसके बाद डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और कुछ पीक्स की फॉर्म में हमें पीक्स मिलती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं कि कोई कंपोनेंट्स यहाँ से बाहर निकलें बाकी क्रोटोग्राफिक टेक्निक की तरह यहाँ पर भी ये क्वालिटेटिव टेक्निक के तौर पे भी इस्तेमाल होगी मेनली हमें स्टैंडर्ड्स रन करने की ज़रूरत होगी जिस अपने सैम्पल के अगेंस्ट ताकि हम ये वेरीफ़ाई कर सकें कि कौन सा स्टैंडर्ड के मुताबिक कौन सा कंपोनेंट हमारे एनलाइट में या सल्यूट के अंदर मौजूद है ये स्केच है जी सी एम एस का पर्टिकुलर जिसमें ये अवन दिखाया गया है ये ट्यूबुलर कॉलम है जो इस कॉयल की फॉर्म में यहाँ मौजूद है ये यहाँ कहीं हमारा इंजेक्शन इंजेक्टर भी मौजूद होगा इसके बाद एम एस का एनलेट है कि कॉलम से पास होने के बाद मैस डिटेक्टर में जा रहा है और ये छोटा सा पार्ट हमारा मैस्पेक्टो फोटोमीटर है इसकी केमिस्ट्री को हम आइंदा किसी स्लाइड्स के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे मैस्पेक्टो फोटोमीटर किस तरह काम करते हैं जीसी कॉलम ये भी कॉयल लिपटी हुई है और इसका एक क्रॉस सेक्शन यहाँ दिखाया गया है कि एक पोलियमाइट की कोटिंग है जिसने इसकी अपर सरफेस बनाई हुई है फ्यूज सिलिका जेल जो इसके कॉर्नर पे डिपॉज़िट करवाई गई है और स्टेशनरी फ़ेज़ यकीनन ये सॉलिड के तौर पे इस्तेमाल हो रही है अगर यहीं एक लिक्विड फेज मौजूद हो जैसे यहाँ इस रेड कलर से शो किया गया है तो ये ओपन कैपिलरी कॉलम्स लिक्विड स्टेशनरी फेज के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते है। column, हैं पोरस लेयर ओपन ट्यूबलर कॉलम यानी ये सॉलिड सरफेस हैं जो स्टेशनरी फेज के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं और हमारी गैस मोबाइल फेजस में से पास करेगी इस तरह ये पैक्ड कॉलम भी इस्तेमाल होते हैं जिसमें सिलिका के ये पोर्स हैं बीड्स हैं जिनको पैक किया गया है और इसमें से गैस सैंपल को लेकर जाएगी यकीन जो स्टेशनरी फेज के साथ इंट्रैक्ट करेंगे वो मॉलिक्यूल पीछे रह जाएंगे और जो कम इंट्रैक्ट करेंगे वो गैस के साथ आगे निकल आएंगे कॉमन डिटेक्टर्स जो गैस क्रोनोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं उन्हें फ्लेम आयनाइजेशन एफ़ आई डी थर्मल कंडक्टिविटी यानी टी सी डी एलेक्ट्रॉन कैप्चर यानी ई सी डी और मैस स्पेक्ट्रोडर यानी एम एस नाम दिए जाते हैं और इन सब के अंदर हमारे कम जो भी मॉलिक्यूल एनालाइट के निकल रहे हैं उनको फ्लेम के ज़रिए आयनाइज़ किया जा रहा है उनके आयनस बनाए जा रहे हैं या थर्मल कंडक्शन के ज़रिए उनको आयनस में कन्वर्ट किया जा रहा है या इलेक्ट्रॉन कैप्चर के ज़रिए उनको आयनाइज़ करके तो आयनाइज़ करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिसके बाद हमारे थर्मोकपल्स या डिटेक्टर वो उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है और उसके ज़रिए पीक बना के देता है कि कितनी कंसंट्रेशन किसी कंपोनेंट की डिटेक्टर में से आउट हो रही गैस क्रोनोग्राफ की मेन यूजेज कि इसे परफ्यूमरी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं ऑयल इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसेंशल ऑयल इज़ इस समथिंग डिफरेंट कि जिसमें हम जो प्लांट मटीरियल है उसमें से निकलने वाले एसेंशियल ऑयल्स को इस्तेमाल करके उनकी एक्टिविटी या उनकी एनालिसिस करते हैं और एफ्लोटॉक्सेंस पेस्टिसाइड रेजिड्यूज ये भी मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें एनालाइट के तौर पे हम चूज़ करते हैं इनकी कंसंट्रेशन को मालूम करना सॉइल के अंदर वाटर के अंदर अक्सर फसलों में जैसे राइस के अंदर या वीट के अंदर ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो एफ्लाटोक्सेंस और पेस्टिसाइड रेजिड्यू के एनालिसिस के लिए भी हम जी सी एम एस को कॉमनली इस्तेमाल करते हैं